हैं आपका दुबई वाला राजा। आज आपको दशहरे के दिन दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए साथ में मैं रिव्यू दे रहा हूं आज ही के दिन रिलीज हुई नई फिल्म नमस्ते इंग्लैंड का। दोस्तों, इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा। तू रंग रंगीली आए है नखरे अपने सब लाए है मेरे मन गूंजी शहनाई। और इसके डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह, जिन्होंने पहले एक हिट पिक्चर दी हुई है जिसका नाम था नमस्ते लंदन, और अब उनकी ये फिल्म आई है नमस्ते इंग्लैंड। तो जैसा कि दोस्तों कॉपी दोनों के टाइटल में है, उसी तरीके से कॉपी दोनों की कहानी में भी है। जसमीत जी, हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नमस्ते इंग्लैंड की कहानी की। तो जैसा मैंने आपको बताया, कहानी नमस्ते इंग्लैंड की नमस्ते लंदन से प्रेरित है। करीब करीब वही कहानी है जिसको थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है, लेकिन घुमाने फिराने के अंदाज में भी इतना नयापन नहीं आ पाया है। और अगर कुछ नयापन है तो वो ये है कि परिणीति चोपड़ा को इंग्लैंड से बेइंतहा मोहब्बत है। वो कुछ भी करके, कैसे भी करके, कितने भी झूठ बोलकर इंग्लैंड जाना चाहती है और वहाँ सेटल होना चाहती हैं। कुछ तो उनके दादाजी के कारण और कुछ उनके अपने बुद्धि ऐसी होने के कारण वो चाहती हैं कि वो इंग्लैंड जाकर सेटल हो जाए। और इसके लिए वो यहाँ तक आगे बढ़ जाती हैं कि अर्जुन कपूर से शादी होने के बाद भी वो इंग्लैंड जाने के लिए बेकरार हैं, और बिना अर्जुन कपूर को बताए, बिना अपने पति को बताए, एक दूसरे मर्द से एक ऐसी शादी कर लेती है सिर्फ इंग्लैंड जाने की वजह से, सिर्फ नौकरी पाने की वजह से, सिर्फ वीज़ा की लालच में, कि आखिर में उनको परेशानी के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। कोई समझे ना समझे, तुम जरूर समझोगे कि मैं लंदन क्यों चली गई। और परिणीति के इंग्लैंड चले जाने के बाद अर्जुन कपूर को महसूस होता है कि ये कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए, और वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और वीज़ा जो कि उनको मिलता नहीं है, कितनी बार भी वो कोशिश कर चुके होते हैं इसके पहले, लेकिन फिर वो जाते हैं एक एजेंट के थ्रू बिना वीज़ा, बिना कागजात, बिना पासपोर्ट के, कबूतर बनकर। जी हाँ, इसको बोला जाता है कबूतर, जो कि उड़ जाते हैं इंग्लैंड की तरफ बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, और न जाने कैसे रास्तों से गुजर गुजर कर वो आखिर पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी के पास। लंदन जाना है, लीगल इलीगल सब चलेगा। जिंदा हूं मैं। लेकिन वहां भी अर्जुन कपूर की पत्नी उनसे कहती है कि नहीं, अभी कुछ दिन और लगेंगे मुझे रेजिडेंस वीजा मिलने में, तो रुक जाओ, मंजिल बहुत करीब है परम, कल तक रुक जाओ। लिहाजा अर्जुन कपूर डिसाइड करते हैं कि नहीं, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और इसको सबक सिखाने की कोशिश में किसी वो और के साथ जुड़ जाते हैं, और ये अलग बात है कि वो उससे कहते हैं कि भाई वो मेरी पत्नी है, तो लिहाजा वो दोनों मिलकर एक्टिंग करते हैं। और परिणीति चोपड़ा को कुछ इस तरह से बताते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, और शादी करने के अंत तक पहुंचते पहुंचते आखिर परिणीति चोपड़ा को महसूस होता है कि उसने गलती की है, और गलती करने की सजा वो ये होती है कि वो सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने पति के पास चली जाती है, और कहानी का एक सुखद अंत हो जाता है। हर पल रहूं मैं सिर्फ तेरे लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के कलाकारों के अभिनय की। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हमारे हीरो जो हैं इस फिल्म में थोड़े मोटे नज़र आते हैं, इसीलिए वो इतने फिट नहीं नज़र आते हैं। परिणीति चोपड़ा जो कि काफ़ी दुबली पतली नज़र आती हैं, उन्होंने अपना काम पूरे मोहब्बत और अंदाज से किया है। आज एक दूसरे के साथ बुरा करना यह सोच के कि इससे हमारा कल अच्छा होगा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी इस दुनिया में नहीं हो सकती जसमीत। दोस्तों, ऑन द होल मेरा आपसे ये कहना है
कि इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, बच्चे और बूढ़े सभी इसमें एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी वैसी कोई भी बात इस फिल्म में नहीं है, सिर्फ फिल्म थोड़ी कमज़ोर इस वजह से है कि फिल्म नमस्ते इंग्लैंड और नमस्ते लंदन के बीच में अटक गई है कहानी कॉपी होने की वजह से। लेकिन फिल्म में नयापन कुछ है तो इसके डायलॉग हैं, कुछ कटीले डायलॉग काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि अर्जुन कपूर का ये कहना कि जब तुम मुझसे लिपटती हो तो मेरे दिल में न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ये मन को लुभाता है, मन को सजाता है, मन को बहलाता है। इस तरीके के डायलॉग और म्यूज़िक इसका काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो मेरा दोस्तों आपसे ये कहना है कि आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, आप चाहें तो इस फिल्म को एक बार जाकर पूरे परिवार के साथ देख सकते। ऐसे गले ना मिलाकर तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते हैं। दोस्तों अब बात निकली है इस फिल्म को स्टार देने की, तो मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देना पसंद करूंगा। और मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों, अपने चाहने वाले, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल आपके सामने है, दबाइए इसको, दबाइए इसको, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे दिल के और नज़दीक आइए। और दोस्तों मेरी अब मुलाकात होगी आपसे मेरे अगले रिव्यू पर, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।